अयोध्या के राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। मंदिर के कपाट अब आम जनों के लिए भी खुल गए हैं और बड़ी संख्या में लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया। ओवैसी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया, 6 दिसंबर का दिन जो लोग भूल जाने को कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, तुम तुम्हारे माँ बाप की मौत को भूल सकते हो क्या? अब ओवैसी का यह बयान भले ही 20 जनवरी 2024 का हो, लेकिन उन्होंने इसे 22 जनवरी की शाम को रीशेयर किया। वीडियो में क्या कहा, अब पूरा बयान सुनिए। तो ये फेद की बुनियाद पर जब फैसला आया, तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए, और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो आज सच बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुन लिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, तो आज हम वही देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई, तुम लोग, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनहरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमान को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरज कंड पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को। फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और एक और जहां ओवैसी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इनके साथ तमाम सेलिब्रिटी बिजनेसमैन और साधु संत भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस समारोह से दूरी भी बनाई थी। अब मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।